नमस्कार। हम हमारे चैनल वाले हैं कि कौन सी फंगीसाइड बेस्ट। मार्केट में बहुत सारी प्रकार की फंगीसाइड अवेलेबल है, पर हमारे फसल के लिए सबसे बेस्ट फंगीसाइड कौन? तो आप देख रहे हैं कि इतनी सारी कंपनियों की फंगीसाइड हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख लीजिए कि साफ है, UPL कंपनी के इंट्राकाल है, बायर कंपनी के, रिडो मिले सिजेंटा कंपनी के, इंडोफिल है, आप देख सकते हो। इसी तरीके से बविस्टिन भी आती है। तो बहुत सारी फंगीसाइड मार्केट में अवेलेबल है, बट हमारे फसल के लिए किस टाइम पर कौन सी फंगीसाइड हमें अपने फील्ड में स्प्रे करना चाहिए, कौन सी नहीं स्प्रे करना चाहिए? तो दोस्तों, आज हम आपको ये सारी फंगीसाइड के बारे में बताएंगे, कौन सी फंगीसाइड सबसे अच्छी है, कौन ज़्यादा काम करती है, कौन कम काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरीके से आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार के हमारे सब्जियों में रोग लगते हुए, ये टमाटर का पौधा आप देख रहे हैं किस प्रकार से जल रहा है, तो इसमें किस प्रकार की आपको फंगीसाइड डालना। तो दोस्तों, फंगीसाइड कई प्रकार की होती है। कंटैक्ट फंगीसाइड होती है और सिस्टमेटिक फंगीसाइड होती है। यदि आपका कोई रोग स्टार्ट हुआ, आपको अभी अगर आपको फसल में कोई रोग लगा भी नहीं तो आपको स्प्रे करना है, तो आप कंटैक्ट फंगीसाइड से रख सकते हैं, तो आपको कंट्रोल हो सकता है। बट अगर आपके फील्ड में रोग लग गया हो तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा रोग लगा हुआ, आप देख लीजिए ये आलू की पत्ती है किस तरीके से पूरा जल चुकी है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, ये अर्ली ब्लाइट है पोटैटो का, आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा फसल नष्ट हो जा रही। तो इसी तरीके से बहुत सारी तरह के फंगस हमारे फील्ड में आते हैं और फसल को नुकसान। ये भी टमाटर की पत्ती है, आप ये देखिए पूरा टमाटर ख़राब हो जा रहा है गर्मी के मौसम में या ठंडी के मौसम। आजकल तो फंगस हमारे गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं दोस्तों। तो इन्हीं सब की कंट्रोल के लिए हम आपको आज बताएंगे कि कौन सी फंगीसाइड बेस्ट है। तो चलिए हम आपको फंगीसाइड दिखाते हैं दोस्तों। आप देखिए इंट्राकाल है, ये बायर कंपनी की फंगीसाइड है दोस्तों। तो ये कंटैक्ट फंगीसाइड है, तो इसको आप रोग लगने से पहले या रोग की स्टार्टिंग हुई हो तो आप उस समय से। तो कंटैक्ट का मतलब ये होता है कि कंटैक्ट मतलब जहाँ तक ये पौधे पर पड़ेगा, जहाँ तक पौधे पर पड़ेगा वहाँ तक ये काम करेगा। मतलब कि अगर ये आपकी पत्ती है तो अगर दवा यहाँ पड़ी है तो यहीं पे काम करेगी, यहाँ है पड़ेगी तो यहीं काम करेगी, यहाँ पड़ेगी तो यहीं काम करेगी दोस्तों। तो ये कंटैक्ट फंगीसाइड होती है। इसी तरीके से आपकी ये बविस्टिन है, ये क्रिस्टल कंपनी की आती है, या सिस्टमेटिक फंगीसाइड होती है, या फंगीसाइड आप मतलब कि जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया कि जैसे कि ये पत्ती है, मान लीजिए पौधे की ये पत्ती है, तो अगर यहाँ पर भी दवा पड़ गई तो ये दवा क्या करेगी, पूरे पत्ती में ये फैल जाएगी। सिस्टमेटिक फंगीसाइड का मतलब ये होता है। तो आपकी फसल पूरी तरीके से बच सकती है अगर आप स्टार्टिंग में भी इसे स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको और कौन सी सिस्टमेटिक फंगीसाइड उसको बता देते हैं। तो ये है इंडोफिल M45, आप देख ही सकते हैं इंडोफिल कंपनी की, ये कंटैक्ट ये भी होती है, तो आप इसे भी स्टार्टिंग में स्प्रे कर सकते हैं। यह सबसे पुरानी फंगीसाइड है कापर फंगीसाइड, इसी से हमारे फंगीसाइड का उत्पादन होता है, यहीं से सबसे प्राचीन समय में यहीं से फंगीसाइड का उदय हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गड़बड़ हो गया था आपको दिखाते हैं। तो हो गई लिक्विड फंगीसाइड जो है मार्केट में जो अवेलेबल है, मिलती भी है कापर फंगीसाइड के नाम, कापर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से आती है, आप इसे लेकर स्प्रे कर सकते हैं। सबसे पुरानी फंगीसाइड है जो कि अभी तक चल रही है। तो और सबसे अच्छी फंगीसाइड आज के ज़माने में, आज के समय पे अगर है तो साफ है UPL कंपनी का, ये भी कंटैक्ट और सिस्टमेटिक फंगीसाइड, सॉरी दोस्तों, ये भी सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, या भी फंगीसाइड सबसे बेस्ट फंगीसाइड है, आप इसे भी ले सकते हैं मार्केट से और इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।